अडॉप्शन पे बिफोर आई आस्क यू एनी क्वेश्चंस, आप मुझे बताएं कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं इस टॉपिक पे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँ, मैं ये तो नहीं कहता कि ऐसे बच्चे दुनिया में आए जाएं और वो अडॉप्ट हुए जाएं। और इससे पहले एक बात कि पाकिस्तान के कानून में अडॉप्शन कोई है ही नहीं, कानून में ही नहीं है, गार्जियनशिप है। एज अ गार्जियन आप उसको लेते हैं, अडॉप्शन नहीं है। पाकिस्तान से बाहर अडॉप्ट होते हैं बच्चे। Is this because of religion or? कानून तो वही मजहब के हिसाब से ही बना हुआ है। तो अच्छा, दूसरा ये कि इसमें बड़ी अहम चीज है और उस पर मुझ पर भी बड़ी तोहमतें आई। फखर से बताता हूँ मैं खुद कि लोग कहते हैं मैं बच्चे बेचता हूँ, मैं फखर से कहता हूँ चलो बच्चे ही बेचते हैं हम, ऐसे ही सही। उसकी वजह यह है कि जब हम बच्चे ऐसे ही लोगों को दिया करते थे कि किसी को औलाद नहीं दी, अल्लाह ने हम इसको बच्चा दे दें, तो वो फिर उनकी मर्जी होती थी, रखा रखा नहीं रखा, लाके छोड़ गए या बिल्कुल ही बस उसको ध्यान ही नहीं दिया बहुत दफा। तो फिर उस चीज ने एक चीज सिखाई कि यार ये तो बड़ा और जुल्म हो रहा है, इससे बेहतर तो ये है कि बच्चे शेल्टर होम में फिर पलते रहे। तो फिर हमने अमाउंट रखा कि जी 10 लाख रुपए जो इसके नाम करेगा या प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा करेगा, वो चीज जो इधर उधर नहीं हो सकती थ्रू कोर्ट, हमें कुछ नहीं है उसके अंदर, हमारा कोई किसी किस्म का लेना देना नहीं होता, थ्रू कोर्ट अगर कोई करेगा तो हम उसको अडॉप्ट कराएंगे। अच्छा, उसमें फिर एक चीज और अभी आई जो सामने देखी कि पाकिस्तान में बच्चा अडॉप्ट करना ऐसा है जैसे आपने पता नहीं कोई गुनाह कर दिया हो, लोग आपको जीने नहीं देते, इधर से बातें उधर से बातें उधर से बातें, आप लाख उस बच्चे से छुपा करके चलें चीजों को, लोग इतना मिसगाइड करते हैं, फिर आपके और उसके बीच में इतना गैप पैदा कर देते हैं कि फिर ना आप उसको संभाल पाते हैं जी, ना वो संभाल पाता है। तो फिर हमने एक कोशिश और की कि ठीक है, अब जो हम बच्चे, जो हमारा मेन जो गोल है वो ये है कि हम पाकिस्तान से बाहर जो हमारी पाकिस्तानी फैमिलीज हैं हम उनको टारगेट करें ताकि उधर पढ़ी लिखी हो, पढ़ी लिखी हो। बाय द वे, बाहर की सारी फैमिलीज पढ़ी लिखी नहीं होती। नहीं तो हमको ये थोड़ी कोई बाहर चाहिए, आपको पता है बैठ करते हैं इस वक्त मेरा जो सबसे बड़ा, मैं कभी कभी चढ़ जा, कभी कभी क्या रोजाना ही चढ़ जाता हूँ। हर वक्त जो कॉल आती है उसमें सबसे ज्यादा कॉल्स एडॉप्शन के लिए, ईमेल्स एडॉप्शन के लिए, आपका फोन आ गया, इनका फोन आ गया, वो मेरे जानने वाले हैं, वो फलाएं एडॉप्शन के लिए। मैं कहता हूँ भाई ये बच्चे कोई मशीन से नहीं आ रहे, और दुआ करो कि ये ना आए तो बेहतर है, ठीक है ना, क्योंकि किसी को लावारिस करके वारिस बनाना तो अच्छी बात नहीं है ना, उसके अपने ही वारिसों तक के अगर वो रह जाए तो अच्छी बात है उसके अंदर। वजह क्या है कि रुझान क्यों बढ़ा है आपको अब कुछ रिसेंटली? रुझान देखिए, रुझान माहौल आप देख रही हैं क्या हो रहा है, शादियां हमारे यहाँ 30-35 साल तक के तो आम सी बात हो गई है कि होनी नहीं है। देखिए, आप किसी माजूर बच्चे को पाले ना, अगर आपने नेकी करनी है, आपने अडॉप्ट करना है, माजूर बच्चे को करें। नेकी नहीं करनी मुझे बच्चा चाहिए, यही मैं बता रहा हूँ आपको। I'm dying to have a baby. मगर इसमें दो बातें करते ना हमारे आने वाले। अच्छा, आप किसी ट्रांसजेंडर को रखे, उसे भी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, वो फिर कहाँ रहेगा मुझे बताएं, वो सिर्फ शेल्टर होम की जीनत बने, ये क्यों? ये तो इंसानियत नहीं है, जो है वो इशू फंड्स नहीं है। देखे, मैं आपको एक बात और बता दूं, हम तो बच्चे ना दे तो हमें ज्यादा बेहतर, अगर फंड्स को टारगेट करें ना तो जितने बच्चे हमारे पास होंगे फंड्स हमारे पास उतना इजाफा होगा। बिल्कुल, बच्चे देने का मकसद ये, हम अपने फंड्स को कम कर रहे हैं, ठीक है ना, फंड्स इशू नहीं है। इशू ये है कि क्या हमारे यहाँ हमारा माशरा उस बच्चे को जीने देता है जो एक शेल्टर होम में परवरिश करता है, पलता बढ़ता है, नहीं जीने देता। यहाँ तो एक लड़की को जिसको मार पीट के फोन हम फोन करके घर से निकालते हो, शेल्टर होम में एक दो रात रह करके चली जाए, उसके लिए भी जीना हराम कर देते हैं, ये भी नहीं सोचते कि इस स्टेज तक कि उसको लाए भी हम है। अभी एक माँ रोते हुए बिलखते हुए बुरी हालत में, ट्रांसजेंडर उसके यहाँ बच्चा हुआ था, छोड़ करके गई है, माँ बाप दोनों आए थे कि हम मजबूर हो गए माशरे से, हम अपने रिश्तेदारों से मजबूर हो गए, वो बच्चा मेरे पास छोड़ करके गए, उसे लेने के लिए कोई नहीं आ रहा। वरना एक सिर्फ ऐसी कुछ 10 साल पुरानी भी तस्वीर बच्चे को ऐसे गोद में लिया, हम चला दे अगर सोशल मीडिया पे तो सबके मैसेजेस आ, हमें दे दे, हमें दे दे, हमें दे दे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी जो फाउंडेशन है बात की उससे मैं बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ कि अगर आप चाह रहे हैं कि वाकई में किसी की हेल्प करें तो आप, अगर हेल्प आपकी नीयत है तो बेशक बेस्ट थिंग टू डू इज टू हेल्प समबडी हु नोबडी एल्स वांट्स टू हेल्प। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूँगी आपसे कि अभी पाकिस्तान जो है ना वो इस स्टेज पे नहीं पहुँचा है। अभी पहले हमारा, हम तीनों का जैसे फ़र्ज बनता है एज इन्फ्लुएंसर्स कि हम पहले उनको बेबी स्टेप्स से ले जाएं कि भाई पहले हम उनसे कहें इट्स ओके टू अडॉप्ट, आप अडॉप्ट करके देखें आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, बच्चे की ज़िंदगी बदल जाएगी।
अब बैरून मुल्क ये होता है, मैंने देखा है कि लोग गोरे कपल जो हैं वो एक ब्लाइंड चाइनीज गर्ल को अडॉप्ट कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी चेलोइस्ट बन गई, या इस तरह के मैंने बहुत केसेस देखे हैं, लेकिन अब हम इतनी अजीम मेंटालिटी पे नहीं है। अभी अभी मैं नादी बहन की बात सुन रहा था जो ये कह रही थी जी, और यही मैं भी कहता हूँ। अब जब हम किसी को पाकिस्तान में किसी को कहते हैं आपको हम देते हैं बच्चा, तो कहते सब कुछ तो इसका है बाबा, वो सब कुछ क्या, उसमें से कुछ भी इसका नहीं है, कुछ भी नहीं। जो आज उसके नाम कर दोगे वो उसका है। कल मैं आपको बताऊं क्यों है, हमारा कानून है। देखिए मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक बच्ची आई कोई 2.5 साल की उम्र में, उन्होंने कहीं से अडॉप्ट किया था, उनकी डेथ हो गई जिन्होंने अडॉप्ट किया था, उन्हीं के खानदान वाले ने किसी ने उसके साथ गलत किया, उस बच्ची के साथ मिसयूज किया उस बच्ची को, जी सेफगार्ड करना, ठीक है, मिसयूज किया। फिर कोई रिश्तेदार ला करके 2.5 साल की बच्ची को, और उसका आलम यह था कि मर्द को देख करके वो ऐसे आंखें बंद करके बस भागती थी। वो आज इतनी कोशिशों के बाद मेरे इतनी को, क्योंकि बड़े बच्चे को लेने को तैयार ही नहीं। मैं कहता हूं यार ये भी मसला है कि अडॉप्शन में सबको चाहिए न्यूबॉर्न बेबी, ताकि एक अटैचमेंट हो, उसको पता ही ना हो, लेकिन जो थोड़ी बड़ी उम्र के बच्चे फिर उनका क्या होगा, उनका क्या होगा। लेकिन मेहरबानी उस फैमिली की जिसने उसको अडॉप्ट किया, सिर्फ मेरे कहने पे, मेरी यकीन दियानी पे, कि नेकी अगर करनी है ना तो इससे बड़ी नेकी कोई भी नहीं है। उसने अडॉप्ट किया और इंशाल्लाह चंद दिनों में वो अमेरिका चली जाएगी। अभी वो बच्ची